श्री शंकरानंद शास्त्री जी की मशहूर किताब माय एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने पेरियार की उपस्थिति में मद्रास में भगवत गीता की आलोचना की थी, जिस कारण 31 मार्च 1950 को घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला डॉक्टर अंबेडकर से मिलने उनके घर चले गए और उसका कारण जानना चाहा। जुगल किशोर बिरला जी ने कहा कि आपने भगवत गीता की आलोचना क्यों की, यह हिंदुओं की बहुत बड़ी धार्मिक पुस्तक है, आपको हिंदुओं को जोड़ने की बात करनी चाहिए न कि आलोचना। जहाँ तक अछूत छुआछूत और जाति व्यवस्था का सवाल है तो मैं इसके लिए आपको 10 लाख रुपये देता हूँ ताकि आप इस दिशा में बेहतर कार्य कर सको। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने गीता की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है, जिसका मैं आजीवन विरोध ही नहीं करूँगा बल्कि अछूतों को इससे दूर रहने और जागरूक होने की भी शिक्षा दूंगा। जुगल किशोर बहुत निराश होकर वहाँ से चले गए। सोचिए उस वक्त 10 लाख रकम की कितनी बड़ी कीमत रही। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने येवला नासिक की एक सभा में 13 अक्टूबर 1935 को ऐलान किया कि मैं भले ही एक हिंदू के रूप में जन्म लिया हूँ लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि धर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता समानता और बंधुता का भाव हो। जबकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था स्वयं ही बंटवारे का ऐलान करती है और आपसी परस्पर सहयोग को रोकती है। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद ईसाई मुस्लिम सिख जैन बौद्धिस्ट आर्य समाजी हिंदू महासभा इत्यादि सभी धार्मिक और राजनीतिक लोग उनके संपर्क में आए, क्योंकि उस वक्त अछूतों की संख्या लगभग 6 करोड़ थी और यह जनसंख्या के लिहाज से बड़ी उम्मीद थी। इसलिए सभी ने अपने धर्म की महानता तथा समानता के पैमाने गिनाए। सबने मन चाहा करने की पेशकश की लेकिन हिंदू धर्माचार्य बेसुध ही रहे। आपको याद होगा मार्च 1930 को जब कालाराम मंदिर परिवेश को लेकर बाबा साहब अंबेडकर आंदोलन कर रहे थे, 3 मार्च को शंकराचार्य तुर्ककोटी की अध्यक्षता में स्वर्णों की एक सभा हुई कि अछूतों का क्या किया जाए। सभा में एक वक्ता ने समझौते का सुझाव दिया तो तमाम सनातनी ब्राह्मण बिगड़ गए और फिर शंकराचार्य ने कहा कि भगवान राम भी यदि स्वयं आकर अछूतों को प्रवेश करने को कहे तब भी यह नहीं होने देंगे। तब जाकर सब शांत हुए। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर जी के धर्म परिवर्तन की खबर हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान को भी लगी और उन्होंने इस्लाम अपनाने पर उन्हें 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। इतना ही नहीं, निजाम ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी रियासत में मुख्य न्यायाधीश का पद तथा समस्त अछूतों का इस्लाम स्वीकारने पर समानता की बात भी कही। बाबा साहब ने सब कुछ अस्वीकार किया क्योंकि बाबा साहब कुएं से निकलकर खाई में नहीं जाना चाहते थे। बावजूद इसके निजाम ने 54 एकड़ भूमि बाबा साहब को दान देने का निर्णय किया लेकिन बाबा साहब ने इसे भी नहीं अपनाया। बाद में इसी भूमि पर स्थापित मिलिंद एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई। अब अनुमान लगाइए उस रकम का भी और उस त्याग का भी, क्योंकि बाबा साहब अध्ययन चिंतन मनन करके ही फैसला करते थे। उन्होंने एक तरफ जहां धार्मिक अध्ययन किया वहीं दूसरी ओर संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक सरोकारों पर मुखर रहे। उनके द्वारा जितना प्रयास किया जा सकता था किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन बेहद कम थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म स्वीकारना महज धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि घर वापसी समान था। बुद्ध और बौद्धों को इतना खत्म किया गया था कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत के लोग ही बुद्ध को एक तो विष्णु का अवतार मानते थे लेकिन इस भ्रम में भी थे कि बुद्ध को यूरोप या अफ्रीका का मानते थे। आज बड़ा विमर्श होता है कि मिशनरी लोग लालच झूठ और पाखंड करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। भारत में अगर आप देखोगे कि कोई 2 लोग भी हिंदू धर्म अपनाते हैं तो वह राष्ट्रीय खबर बनती है, जबकि अन्य धर्मों पर यह बात एक कुकृत और अपराध बन जाती है। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उससे प्रेरणा लेकर समझकर हर वर्ष लाखों लोग स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाते हैं, मगर इसकी कहीं कोई खबर नहीं दिखाता। मुझे प्रमाणिक रूप से याद है वर्ष 2018 में अकेले केवल आरएसएस कार्यालय नागपुर के सामने 40,000 लोगों ने मात्र एक दिन में धर्म परिवर्तन किया।
उसी दिन बिहार के अकेले गया में ही 2000 लोग बौद्ध हुए, सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब ने ऐसा किया और बड़े चिंतन तथा तर्क के साथ परिवर्तन किया। लेकिन इस पर विमर्श नहीं होता, जाहिर है कि इसमें वर्चस्ववादी विचारधारा का हस्तक्षेप है, अन्यथा इसके कारण तथा उस पर स्वस्थ विमर्श अवश्य ही होता। यह जो अनदेखी है वह मीडिया में या समाज में नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की आंतरिक व्यवस्था में भी बड़ी मात्रा में है। यही मूल कारण है कि लोगों में अलगाव पनपता है, उसका परिणाम आपके समक्ष है। आज बाबा साहब की बदौलत ही हम इस काबिल बन पाए हैं, आज बाबा साहब की बदौलत ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।